टॉप कार न्यूज बारे में बात करते हैं, जैसे कि पुणे पोर्शे एक्सीडेंट की अपडेट्स हैं और कौन सी वो गाड़ी जिसके अंदर आपको 56 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। 56 लाख का डिस्काउंट समझ आता। तो पहले न्यूज कौन से देनी है हमें? अच्छा ठीक है, पहले वही देते हैं। ओके, सो भाई साहब, पुणे में एक पोर्शे कार का एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर एक टीनेजर लड़का 17 साल का ऐसे किसी बार के अंदर गया था, मस्त दारू वगैरह पी, एंड अलॉटेड टाइम उसकी स्पीड अराउंड 150 की थी, एंड उसने कपिल को शायद से या फिर लड़की लड़की को उड़ा दिया बाइक से, और लड़का लड़की ऑन द स्पॉट वहीं पर फिनिश। फिर पब्लिक ने खूब उसको पकड़ा एंड पीटा, उसकी गाड़ी वगैरह भी तोड़ दी अच्छी तरह, ये सब तो आप जानते ही होंगे। लेकिन भाई साहब, उसके बाद यहां पर आता है ट्विस्ट। वहां पर लड़के के फादर ने ड्राइवर को बहुत सारा पैसा दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज कर दूंगा, तो मैं इतना पैसा दूंगा। वो अमाउंट हमें नहीं पता है, लेकिन उसने बहुत सारे पैसे ऑफर किए ड्राइवर को, सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेके गाड़ी में चला रहा था। एंड ऐसे हुआ, ड्राइवर ने सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिया कि गाड़ी में चला रहा था, और जैसे ही ड्राइवर ने सारे इल्जाम अपने ऊपर लिया एंड फाइल क्लोज होने वाली थी, एंड तभी वहां पर एंट्री होती है सिक्योरिटी पावर की, सबसे पावरफुल चीज की, पब्लिक। भाई साहब, ये पब्लिक में इतना ज्यादा वायरल हो गया था एक्सीडेंट कि पुलिस को यहाँ पर प्रेशर में आकर यहाँ पर अच्छी खासी जांच करनी पड़ी, जिसके बाद पता लगा कि वो गाड़ी टीनेजर लड़का ही चला रहा था, ना कि ड्राइवर। भाई यार, बचने के और भी तरीके होते हैं। आप अगर वो आदमी बोल देता कि ठीक है, जो गलती होगी सो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने बेटे को मुझे गाड़ी नहीं देनी थी, एंड वो दो लोग जो मर गए थे, इस बड़े आदमी को उन लोगों के परिवार की मदद करनी चाहिए थी अच्छे खासे, मतलब उसको संभालते पैसों से और भी कई चीजों से, तब थोड़ा ठीक रहता। लेकिन यहाँ पर इसने काफी चलाकी की एंड उसी में और फंस गया। उसके बाद हेलो संवाददाता, क्या न्यूज़ अगली? अच्छा भाई, तो मेरी फेवरेट है। सो भाई साहब, नई वाली मारुति डिजायर फेसलिफ्ट का एक नया रेंडर आया है, जो कि काफी हद तक इंस्पायर्ड है नई वाली डिजायर से। भाई साहब, जो रियल डिजायर होगी वैसे ही होगी, जो व्हील्स हैं बिल्कुल वैसे लगा दिए हैं जैसे कि हमने स्पॉट हुए देखे थे। फ्रंट की डिजाइन तो अभी थोड़ी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ काफी हद तक ऐसी ही होगी आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो हेडलाइट्स हैं ये भी कुछ ऐसी ही होंगी, सेम शिफ्ट लाइक, और ऊपर वहाँ पर आपको सनरूफ वगैरह मिल जाएगा। एंड भाई यार, बहुत ही सही लग रही है डिजायर तो। अब मैं अपनी वाली क्या करूंगा, मेरी वाली तो पुरानी लगेगी मेरे को। कोई बात नहीं, चला लेंगे, कोई और लेंगे आगे चलकर। एंड गाड़ी का लॉन्च नेक्स्ट 2 मंथ में है, अराउंड आप अगस्त के आसपास मान सकती हो, लगभग जून या फिर जुलाई में मारुति इसका लॉन्च कर देगी, जो किसी बहुत ही अमेजिंग बात है। उसके बाद अगली न्यूज़, हेलो संवाददाता, अगली न्यूज़ क्या है आपके पास? अच्छा हाँ यार, इसके बारे में बहुत दिन से अपडेट नहीं आई है। अच्छा सही में? ओके, सो भाई साहब, नई वाली महिंद्रा एक्सयूवी इलेक्ट्रिक 700 या फिर आप 800 भी कह सकते हो, इसका नाम महिंद्रा एक्सयूवी 8XO होगा, जैसे कि 3XO था ऐसे 8XO होगा या फिर 800, वैसे 8XO के ज्यादा चांसेस हैं, 800 आप कह रखेंगे, थोड़ा पुराना हो गया है, अब थोड़ा नया रखेंगे, जो कि कुछ लोगों को सही लग रहा है एंड कुछ लोग को वैसा वैसा लग रहा है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, मुझे तो काम से फर्क पड़ता है। जैसे इसको देखिए, इसका नाम है फूलन देवी, नाम मैच कर रहा है बट इसका नाम है ये। यहाँ पर इसकी हेडलाइट्स की कुछ ऐसे इमेजेस आई हैं, आप यहाँ पर देख सकती हो, ये पूरे इसके हेडलाइट का डिजाइन होगा कुछ इस टाइप से, ऊपर ऐसे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है ऐसे एलईडी का, एंड ऐसे पूरी डीआरएल गई है ऐसे ऐसे सी शेप की, एंड फिर नीचे ऐसे 3 लगे हुए हैं ऐसे पार्ट, फिर सेम ऐसे सी शेप की ऐसे डीआरएल गई हुई है, एंड नीचे भी यहाँ पर एक लाइट ऐसे दिख रही है हमें। और ये गाड़ी भी लॉन्च होने वाली है इस साल के एंड तक, मतलब एंड तक क्या, एंड से थोड़ा पहले लॉन्च हो जाएगी, आप इतना मान सकती हो। एंड इसकी पावर अगर भी 225-30 बीएचपी के आसपास आने चाहिए, वेल देखते हैं क्या होता है, कितनी पावर आती है। उसके बाद हेलो संवाददाता, यस अगली न्यूज, क्या रियली? मैं नहीं मानता भाई साहब, 56 लाख का डिस्काउंट आपको गाड़ी के अंदर मिल रहा है, जो कि है रेंज रोवर लैंड रोवर, इसके अंदर आपको 56 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही चीज है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो चलो भाई कौन ही लेगा इसको, बहुत ही वही है। लेकिन जो रेंज रोवर स्पोर्ट है, जो कि 1.8 CR से अराउंड स्टार्ट होती है, उसके अंदर अब आपको 29 लाख का डिस्काउंट मिलेगा, यस 29 लाख, एंड अब ये गाड़ी डायरेक्ट ट्रेवल करेगी एंड डायरेक्ट सेगमेंट में आ चुकी है GLS एंड BMW X7 से। ये हुई ना बात एंड ये हुई ना सही चीज। भाई यार, स्पोर्ट बहुत ही बेस्ट गाड़ी है, मैं कह रहा हूँ BMW वगैरह कुछ नहीं इसके आगे, ना X7 ना GLS मैं कुछ नहीं मानता, GLS मेरे को कुछ नहीं लगती, X7 बहुत सही लगती है, लेकिन ये उससे भी सही थी, लेकिन महंगी बहुत थी। लेकिन अब लाइन पे आ चुकी है, लेवल मैच कर चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बढ़िया है। और उसके बाद अगर अगली न्यूज़ की बात करें, तो भाई साहब, महिंद्रा क्लासिक पिकअप यहाँ पर स्पॉट हुई है, आप यहाँ पर देख सकती हो, ये MH है यहाँ पर, यानी कि महाराष्ट्र में ये स्पॉट हुई है। ये नई वाली क्लासिक ये आ गया, आपको 7 स्लेट वाली ग्रिल मिलती है और जो फ्रंट है पूरा ऐसे स्कॉर्पियो क्लासिक तरह दिखता है, लेकिन जो साइड वाइज है, यहाँ पर आप इसकी व्हील्स देखिए, ऐसे हुई पुराने वाले हैं स्टील व्हील्स, अलॉय से यहाँ पर स्टील व्हील्स है, जो कि ज्यादा वजन उठा सकते हैं कंपेयर टू अलॉय व्हील्स से। अलॉय टेढ़ा हो सकता है यहाँ उछल कूद के, लेकिन ये जल्दी टेढ़ा नहीं होता, तो ऑफ रोडिंग या फिर हैवी लोडिंग में यही काम आता है। एंड बगल में यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको दिख रहा होगा, ऐसे साइड में लगा दिया है, अफकोर्स पिकअप ट्रक है, लेकिन इसके अंदर भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल सकते हैं, ऐसे स्टीरियो मिल जाएगा आपको जहाँ पर आप ऐसे गाने वगैरह बजा सकती हो, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके, एंड एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले यहाँ पर क्या ही आएगा, और एयर कंडीशनर वगैरह भी अंदर आपको मिल जाएगा, और बाकी पीछे बड़ा सा ट्राला, तो काफी सही है। अराउंड इस साल के लास्ट तक लॉन्च हो सकती है, इसके बारे में भी कोई ऐसे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, एंड आई थिंक इंडिया में इसको लोग कम ही पसंद करेंगे, ये साउथ अफ्रीका में एंड नेपाल वगैरह में बहुत चलती है, श्रीलंका वगैरह में, एंड ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये बहुत चलती है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है इसको। उसके बाद बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े लॉन्च की, जो कि महिंद्रा थार अर्माडा, यानी कि महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। इस गाड़ी
कि बेस वेरिएंट के अंदर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो कि सेम वही है XUV 3XO वाला, 115 bhp की पावर एंड आई थिंक 250 या फिर ऐसे कुछ एनएम का टॉर्क आता है यहाँ पे लिख रहा होगा, जो कि अमेजिंग चीज है। 15 की गाड़ी लॉन्च हो रही है एंड इस इंजन से एंड 4x2 से ये वेरिएंट ऐसे काफी ज्यादा अफोर्डेबल बन जाएगा, आप इसको ले सकती है एंड आराम से 1.5 लाख रुपए मॉडिफिकेशन कराकर कहीं भी निकल जाओ, कोई नहीं पहचान पाएगा। एंड एक और चीज है जो कि आप पहचान नहीं पा रहे हो भाई यार, हमारा टैलेंट, लाइक सब्सक्राइब करो, पहचान जाओगे, काफी सही रहता है। क्लिक इट, हम मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।